इतनी मुश्किल से बनता है ये बर्गर और इतना टाइम लगता है। मुझे बाहर भी जाना है इनके साथ लंच पर, लेकिन नहीं, इनको तो बर्गर खाना है। ऐसी कर देती हूँ ना, छिक्कल क्या छील रही हूँ। अरे छिक्कल तो अपने आप ही निकल गया। मुझे तो आता भी नहीं है बर्गर बनाना। ऐसी बना दे तू जैसा बन रहा है। आए बड़ी बर्गर खाने वाली, हमेशा कुछ ना कुछ फरमाइश ही करती रहती है। ये आलू भी मैश नहीं हो रहा, मुझे लगता है अच्छे से किया ही नहीं। भाभी जल्दी बनाओ बर्गर, वैसे भी आप लोग बाहर जा रहे हो मुझे छोड़ के। हाँ हाँ बर्गर तभी तो बनाकर जा रही हूँ, आज हम दोनों को थोड़ा टाइम स्पेंड करना है अकेले में, तो लंच करने जा रहे हैं बाहर। थोड़ा अच्छा सा बैटर बनाओ ना, इसका क्या है ये टिक्की कितनी गंदी सी बनेगी, टेस्ट भी नहीं आएगा। ये लो इसको टेस्ट करके बताओ कैसा है। मैं नहीं कर रही हूँ। वो ये सिर्फ टिक्की बर्गर के अंदर चाहिए, ऐसे कच्चे आलू नहीं खाऊंगी मैं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये टेस्ट भी कर सकते हैं, बंगाली लोग ना ऐसे ही खाते हैं और इतने प्यार से उनको खाना होता है ना। लो। अरे क्या बकवास कर रही हो, वो खाना खाते हैं दाल मच्छी भात खाते हैं वो, ऐसे थोड़ी ना खाते हैं आलू कच्चे। चलो जल्दी से बनाओ। आती हूँ मैं, आप बैठो एसी में। बैठ रही हूँ। मच्छी यहाँ पर कुछ बनने तो देते नहीं है ये लोग, ना मच्छी ना चिकन, इतने बुरे हैं कि क्या ही बताऊं। इतनी मिर्च डालती हूँ खाती रह जाएगी, नमक भी डाल देती हूँ ज़्यादा ही, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे बनाने के लिए नहीं बोलेगी। जब भी मैंने खाना अच्छा बनाया है उसके अगले दिन इसने मुझे दोबारा बनाया है और कितनी बड़ी बनवा ली है। अब खिलाती हूँ इसको बर्गर, इसी टिक्को को ऐसे कर देती हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बहुत टाइम लगता है इसमें। ठीक है ऐसी ऐसी खा लेगी। यार ये टिक्की बना तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, मैंने तो कभी बर्गर बनाया नहीं है अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर आके तो मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। खाना बनाओ, खाने की फरमाइश भी एक से बढ़कर एक है। ऐसे ही बना देती हूँ, मैं कौन सा किसी कैफे में काम करती थी, ऐसे ही कर देती हूँ। भर भर कर तेल डालती हूँ ताकि ऑयल देख कर खाएं ही ना, पता चल जाएगा। ऐसे भी ऑयल से भगती है ना, सब पता चल जाएगा। अच्छा भर भर के ऑयल डाल रही है, मेरा क्या है, मैं तो खा ही लूँगी टिश्यू से पोछ पोछ के। टिक्की तो पकी नहीं रही है यार, ये आलू पके ही नहीं है, एकदम से कोई काम बोलता है भला। इतने अच्छा खासा मैं रेडी हुई बाहर जाने के लिए, टिक्की बनेगी बर्गर बनेगा, इसके पेट में दर्द भी होगा सुबह। बना दिया एक बर्गर, यही दूंगी, और जो दूसरा बन रहा है वो मैं खाऊंगी, इसमें तो चीज़ भी नहीं लगाया, अच्छा है। बन गया? हाँ ये लो, बहुत ही अच्छा ताज़ा बर्गर बना है, ऐसा आपने मार्केट में भी नहीं खाया होगा कभी। हाँ हाँ वो तो ठीक है, इसमें चीज़ भी लगाओ। ये पैकेट कहाँ से लिया? ये फ्रिज से निकाला है मैंने, मुझे पता था आप लगाओगे नहीं और आपने लगाया भी नहीं है। इसमें भी लगा दो और एक इसमें भी लगा दो, ये लो। अरे दो बर्गर खाओगे पेट बहुत बाहर आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं फिर एक्सरसाइज कर लूंगी फिर पेट अंदर चला जाएगा, वो तो आता जाता रहता है, मेरा ऐसा कोई परमानेंट थोड़ी है। आप कर दो, और वो देखो तीसरी टिक्की जल रही है, कितना बनाओगी? ये दूसरी का ही है, और इससे ज्यादा मत बनाना क्योंकि घर पे और कोई नहीं है भैया, और आप तो बाहर जाके लंच करोगे ना, और ज्यादा वेस्टेज नहीं चाहिए मुझे। ठीक है जल्दी बनाओ। ठीक है बना रही हूँ। बर्गर में टिक्की भी मार दो, इसको ऐसे ही दो, इससे तो मेरा जीना हरामी कर रखा है। लगता है ये टिक्की भी जल गई, कोई बात नहीं जली हुई टिक्की खा लेगी, कौन सा अच्छे काम करती है, हमेशा तो मुझसे ही काम करवाती है। जलावा खा लेगी तो जवान ठीक भी हो जाएगी। बटर भी नहीं लगाऊंगी, बटर भी सारा वेस्ट कर देगी, बस ये टिक्की लगाती हूँ और थोड़े से प्याज रख देती हूँ ऊपर, अच्छा ही तो दिखाना है। बर्गर खाएगी और ना अपने भाई से पूछेगी ना अपनी भाभी से पूछेगी, रिस्पेक्ट तो करनी आती ही नहीं है। चीज़ भी कितना महंगा हो गया है, दो दो बर्गर में कौन चीज़ खाता है, तो ये निकल भी नहीं रहा है। आपकी पत्नी ना बहुत आलसी है, एक घंटे से बर्गर बना रही है। देख तो सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर, अपनी लड़ाई अपने तक रखा कर। भाभी ले आओ। हाँ हाँ ला रही हूँ। आवाज़ भी आ गई, दूर तक आवाज़ आती है इन्हें। अरे ले आओ यार, भूख के मारे में और चिड़चिड़ी हो रही हूँ। ला रही हूँ ला रही हूँ। तू चिड़चिड़ी कब नहीं होती, पूरे टाइम तो चिड़चिड़ी रहती है तू। आप कर लो ना अपना। अरे ये लो बर्गर। अरे वाह दो दो बर्गर। हाँ दो। पागल इधर ले एक। अरे दोनों मेरे हैं, आप दोनों तो लंच पे जा रहे हो ना, मुझे लेके भी नहीं जा रहे हो। जब से भाभी आई है ना तब से आपने घर वालों को साथ छोड़ दिया है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, जब से भाभी आई है भाभी का क्या कसूर है इसमें? ये जो तू बर्गर खा रही है ना ये भी भाभी ने बना के दिए, ये मत भूल, और इतनी भाभी से दिक्कत है तो ना बर्गर दे दे मेरे को। हाँ मुझे दिक्कत थोड़ी है, मैं तो बस कह रही थी इसमें केचप भी मिल जाता तो। वो केचप खराब हो गया इसलिए, लेकिन मैं तो खा लेती हूँ वो भी, कौन सा मैं एक्सपायर हो जाऊंगी।